अगर बिहार में महामारी उत्पन्न नहीं होता तो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई होती। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मोड में आ गई होती। ऐसे में आपको बता दें कि इस महामारी के बीच जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, कोरोना के कहर में सभी जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, वहीं क्वारंटाइन सेंटर के 14 दिनों के बाद लोगों को घर स्वस्थ होकर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि जहां प्रशासन के द्वारा लोगों को बहुत बढ़िया परिवार के तरह से रखने का लगातार जोर शोर किया जा रहा है, लगातार ऐलान किया जा रहा है, उस जगह पर खासकर आपको बता दें मीडिया प्रतिबंधित है। मीडिया को प्रतिबंध कर दिया गया है कि आप यहां नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आपको बता दें क्वारंटाइन सेंटर से जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है तो लोग गुस्से में आ जाते हैं, कहीं खाना छोड़ देते हैं, कहीं कुर्सियों को तोड़ने लगते हैं, कहीं आपस में भिड़ने लगते हैं, कहीं पर वीडियो वायरल करने लगते हैं। हम सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं, सामने स्क्रीन पर जो लोग यहाँ सामने खड़े हैं और जो नेताजी समझा रहे हैं, वो हैं हायाघाट विधानसभा के विधायक अमरनाथ गामी। वो आज लगभग आपको बता दें कि 10 क्वारंटाइन सेंटरों से अधिक जगहों पर जाकर लोगों से मिले हैं। इस महामारी के बीच भी नेता अब चूकने वाले नहीं हैं। अपने घर छोड़कर इस लॉकडाउन में भी, कोरोना महामारी के बीच भी जब उन्हें फोन आ जाता है उनके क्षेत्र के लोगों का, वो अपने घर रुक नहीं पाते हैं। वो पहुंच जाते हैं सीधा क्वारंटाइन सेंटर उनके समस्याओं का हल करने। अब खुद नेताजी से जानते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या बात किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ लोग खड़े हैं उनको भी नेताजी समझा रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना है। खुद अमरनाथ गामी ने इस वीडियो को जारी किया है फेसबुक के माध्यम से और लोगों को बताया है कि हमने क्या क्या देखा क्वारंटाइन सेंटरों में। चावल बहुत दिन रहता बनाता है, चावल खाली है ना, चावल लेकर लोग बना के देता है, बना के रोटी बनाता है। हाँ बस संक्रमण फैलेगा, चावल लेकर विधायक दिया था हायाघाट विधानसभा के बहेरी प्रखंड के बगरा सिमरी खंगरेठा से लोगों का लगातार फोन उन्हें आ रहा था, क्वारंटाइन सेंटर पर बहुत असुविधा है। दिलावरपुर शनखेहरा पघारी बगरा सिमरी ठाठोपुर खंगरेठा जगहों पर उन्होंने दौरा किया है। आपको बता दें इस दौरे के अंतर्गत उन्होंने सभी लोगों से बातें किया है, उनके समस्याओं का हल बताया है। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। खुद अमरनाथ गामी ने हमसे बात करते हुए इस विषय पर क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, पूरा कवरेज जरूर देखिएगा। पूरा कवर स्टोरी आज अमरनाथ गामी के क्वारंटाइन विजिट पर है। 19-20 है भी नहीं, भोजन का कोई दिक्कत नहीं, भोजन एक आध सामान उपलब्ध नहीं है, या जानकारी के गलती से 4 रुपया 5 रुपया चाहे 10 रुपया का मास्क नहीं दे सकता है। जब आपको लुंगी दिया है, गमछा दिया है, बर्तन दिया है, तो 10 रुपया ये कहीं ना कहीं टेक्निकल भूल से नहीं मिला। हम लोगों को क्या बोला गया कि उसी किट में उनका मास्क रखने में भूल होता है। सीओ साहब दे गए थे, सीओ साहब दे करके गए थे, वो संहिता उससे गलती हुआ। अगले दिन जब हम लोग किट खोले ना, तो अगले दिन आए थे दो प्रभारी थाना पर, यहाँ प्रखंड से आए थे, और दो आदमी हमसे पूछा गया, तो हम बोले सर उसमें किट में वो नहीं था, मास्क नहीं था, हम लोगों को मास्क नहीं भूल हुआ होगा, किताब भी मान रहा है, जब गमछा मिला है तो गमछा का उपयोग कर लेना। हाँ जी ठीक है, सब आदमी खुशी से रहिए, भगवान से मनाइए, बैठारी में प्रार्थना कीजिए कि अपना राज्य से बीमारी, देश से बीमारी निकल जाए, जितना जल्दी निकलेगा सब आदमी का दिनचर्या वापस लौट जाएगा। इन लोग भी धन्यवाद के पात्र, घर परिवार में रहते आप लोग का सेवा में लगा रहा। अभी विकराल समय में चापा का लेकर एक लगाया गया, पानी का तकलीफ नहीं, सरकार भी धन्यवाद के पात्र है, यह क्या इमरजेंसी में लगा है, पहले से तो रात में कोई नहीं, बच्चा दिन में पढ़ के घर जाता था, लेकिन जब आदमी रहेगा तो उसको पानी बाथरूम सबका जरूरत पड़ेगा, सारा एकाएक व्यवस्था करना बहुत बड़ा बात है कि नहीं है, इसलिए अपना सरकारों को धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सब आदमी मिलजुल के समय निकालें। क्वारंटाइन सेंटर में बता रहे हैं कि गए हैं, क्या क्या वहाँ पर देखने को मिला और
क्यों ऐसा लगा कि क्वारंटाइन सेंटर में जाना चाहिए जहां एक महामारी फैला हुआ है और लगातार लोगों का ये कहना है कि राजनीति मतलब जो है खासकर बिहार में ऊपर चढ़ रहा है अभी? नयाघाट विधानसभा के बहरी क्षेत्र में वहाँ के प्रवासी मजदूर जो हमारे क्षेत्र के आए हैं उनका लगातार शिकायत मिल रहा था कि यहाँ हम लोग को बहुत असुविधा है, तो हमें लगा कि कोई माइनर असुविधा होगी, मिलना चाहिए। सबसे खुशी हुई कि भोजन का जो हम लोग को मन में था कि खाना पीने का समस्या होगा, वो समस्या कहीं नहीं थी। और व्यवस्था की कमी ये आई है, जैसे आप जानते होंगे बाजार बंद था और लूंगी संख्या मच्छरदानी या अन्य कीट का सामान बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद भी उन सारे लोगों का सहयोगात्मक जो वातावरण था बड़ा मन में तसल्ली देता है कि क्वारंटाइन जो सारे लोग थे मेरे विधानसभा के उत्तेजित नहीं थे, सहयोग के वातावरण में थे, बता रहे थे सर अभी तक ब्रश पेस्ट जीविया अभी तक मुहैया नहीं हुआ, कुछ जगह साबुन नहीं हुआ, कुछ जगह व्यवस्था कम है, आदमी अधिक है, इस तरह का लोग शिकायत किया, लेकिन शिकायत का लहजा था कि हमको ये सुविधा मिल जाना चाहिए, कोई उतावलापन नहीं था। सरकार का प्रचार प्रसार आप करते दिखे हैं इस क्वारंटाइन सेंटरों पर, जो आपने जो वीडियो उपलब्ध करवाया है इसमें? देखिए ये तो मानवता का प्रचार है, क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यक्ति है उन्हें लगना चाहिए कि हम समाज हित में परिवार हित में क्वारंटाइन सेंटर में हैं, हम परिवार को सहयोग कर रहे हैं, समाज को सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे उनको जानकारी नहीं था क्वारंटाइन सेंटर में हमें क्यों रखा गया, जब हम बताएं कि आपको अपने परिवार की सुरक्षा के लिए समाज की सुरक्षा के लिए रखा गया, बड़ा खुश हुए कह नहीं तो अच्छा हुआ कि अगर हम बाहर प्रदेश से आए हैं जहां बहुत ज़्यादा बीमारी का प्रभाव है और अपने घर में प्रभाव वाला क्षेत्र से आके घर में सीधे घुस जाएंगे तो मेरे बच्चे को संक्रमण हो सकता है, परिवार को हो सकता है, परिवार अगर गाँव में घूमेंगे तो गाँव को हो सकता है, इस कारण से मुझे क्वारंटाइन किया गया। अच्छा खास वहाँ पर जो आप कहाँ कहाँ गए थे वो जरा बता दीजिए। मतलब हम गए सनखेरा गए, बिलावरपुर गए, पछाड़ी गए, ठाकुरपुर गए, खगरिखा गए, बघड़ा गए, सिमरी गए, इन सारों जगह पर। इन सभी प्रखंडों में से क्वारंटाइन सेंटरों में से कुछ ऐसा लगा हो कुछ खास आपको जानने के लिए या लोगों को मतलब जनचेतना के लिए क्या क्या लगा? जनचेतना के लिए जरूरी है कि मेरे क्षेत्र के जो कुछ लोग अपने गाड़ी से महाराष्ट्र से चले आए और खुद थाना पर जाके अपने इच्छा से क्वारंटाइन सेंटर में थे और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैं अपने मन से क्वारंटाइन सेंटर पर हूँ। समझ सकते हैं जो व्यक्ति कार से आ सकता है उसका स्टेटस क्या होगा और वो अपना खुशी से क्वारंटाइन सेंटर में है तो धन्यवाद के पात्र है समाज के लिए, वो एक प्रतीक है। व्यक्ति जो क्वारंटाइन सेंटर को लगता है कि हमको एक सजा टाइप का दे दिया, वो आदमी को सहयोग करके एक मैसेज दिया है कि सभी लोग को परिवार समाज को बचाने के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए, हम इस कारण से स्कूल में क्वारंटाइन है। बहुत सारे जगहों पर जो कहीं ना कहीं बाल्टी की चर्चा हो रही थी या मास्क की चर्चा हो रही, तो क्या लग रहा है कि मतलब जो स्तर पंचायत स्तरीय जो नेता हैं वो मतलब है क्या कि अभी एक दो दिन में सब लोग आ गए, एक तो पहले स्थल व्यवस्था फिर सामग्री की व्यवस्था, उस आपाधापी में लोगों तक सामग्री नहीं पहुंची है, मुझे लगता है कि एक दो दिन में सारा सामग्री उपलब्ध हो जाएगा और सारे लोग संतुष्ट होंगे और संतुष्ट होकर घर जाएंगे, जितना खुश थे आज अपने गांव क्षेत्र में आके घर जाने के बाद उतना ज़्यादा खुश होंगे ऐसा चेहरा देखने से बात करने से लग रहा था। क्या लग रहा है कि बिहार राजनीति के मूड में है या जो चुनाव की तैयारी है ये सब लगातार जो सभी विधायकों को देखा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर का विजिट कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर? आपको बातचीत से लगा होगा कि सारे लोग से बात किए, भाई हमको कौन मोबाइल किए थे जी, तो हम किए थे सर, हमको कौन किए थे तो हम किए थे, आप बताओ क्या दिक्कत था सर, दोनों टाइम अड़वा चावल खा रहे हैं, गैस बन रहा, चलो भाई उतना चावल होगा तो ठीक है सर, रोटी भी हो जाता, आप समझ सकते इतना बात के लिए हमें बुलाया गया था और सारे लोग को बताए कि अगर मुश्किल घड़ी में दोनों टाइम चावल भी खाना पड़े तो 14 दिन की बात है, सारे लोग कहे कि नहीं सहर्ष स्वीकार किया, अगर मिल सकता है तो मिले, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, अगर मिल सकता है तो अरवा चावल छोड़ के उसका चावल दे,
अगर रोटी की भी व्यवस्था हो जाती है तो अति उत्तम। इस कारण से हमें लोग बुलाए थे, हम जाके उनका उत्साह वर्धन किए और उनसे मिलके मेरा भी उत्साह दोगुना चौगुना हो गया कि जितने लोग कह रहे थे परेशान है अपने धरती पर आने के बाद उतना खुश नजर आ रहे थे, उनका चेहरा देख के मेरा भी खुशी डबल हो गया। क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति के रोने की बात आ रही थी, आपने मतलब जो बताया, तो क्या मामला क्या है? देखिए, वो महाराष्ट्र से कोई डेड बॉडी लेके आया था, और उसको लौटना था। स्थानीय पुलिस क्वारंटाइन सेंटर उसे रख दिया, उसको थोड़ा सा भविष्य का आशंका लगता है कि हमको बंद कर दिया गया या क्वारंटाइन सेंटर में, कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा था किस कारण से रो रहा था। तो स्थानीय थाना से बात करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कब घर जाएगा, किस केस में है, उन पर क्वारंटाइन किया गया है कि कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो समझने के बाद बताया। क्या लगा इन सभी लोगों से, लगभग आपने 200 लोगों से अधिक से आज मिला है, आज मिले हैं आप, तो क्या लगा उन सभी लोगों से मिलकर, क्या वो खुश हैं, क्या वो घर पर निकले कि नहीं निकले विषय बढ़ू सब डर जाते शाम के अथी के घर में नहीं धो अनायास आ गए मानने पड़ते कि नहीं मानते तनि सब आदमी शाम में एक्सरसाइज वगैरह करो, सुबह में एक्सरसाइज करो, अच्छा अच्छा बात करो, जो पढ़ल लिखल था कुछ बोधिक करो, कुछ बताओ सब लोग का एक दूसरा के किस्सा कहानी करे थे मन हल्का हुई है, अपन अपन ज्ञान एक दूसरा के बात दूर बैठ के बात कि सारे लोग घर आने के बाद बहुत सारे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। अब पहले हमें मन में लगता था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, जो रास्ता में जहाँ थे वहाँ का परेशानी में यहाँ जाके इजहार करेंगे, लेकिन हमको लगता है सारा परेशानी भूल के उनको अपना धरती पर आने का खुशी ज़्यादा दिख रहा है। तो मिलने के बाद हमें भी खुशी मिली कि अपने लोग जो घर आए हैं और उनका इच्छा है कि कोरोना संक्रमण से बिहार निश्चित रूप से जीतेगा, देश जीतेगा, ऐसा संकल्प उनके चेहरा पर दिख रहा था, तो वो संकल्प देख के आपको भी लगा होगा जितना खुश थे। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें आधा खुशी तो बनता ही है। कुछ जगहों पर वीडियो में दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खासकर बुजुर्ग भी हैं जिन्हें घर पर रहना चाहिए था, तो उनके आपने क्या मतलब दिक्कत क्या है कि जिनका पिताजी पिताजी के साथ आए तो बच्चा पिताजी को छोड़ के नहीं जाएगा, इस कारण से बच्चा क्वारंटाइन था। अब बुजुर्ग को लगा कि हम घर पर जाएंगे तो हम घर पर परहेज नहीं कर पाएंगे, इस कारण से बुजुर्ग से बात करने के बाद बुजुर्ग कहा कि नहीं हम क्वारंटाइन ही रहेंगे, तो बुजुर्ग अपने इच्छा से क्वारंटाइन थे, इसलिए बहुत बड़ा विषय। तो क्या इसके बाद लगातार फिर आप क्वारंटाइन सेंटर में विजिट करते रहेंगे या? मेरा विजिट क्या जरूरी नहीं है, जो उनको सेवा दे रहा वो लगातार तत्पर है, तभी लगेगा कोई असुविधा किन्हीं को है, वहाँ जाके मिलके उस असुविधा का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पहले कहा आज का समय राजनीति का समय नहीं है, सेवा का काल है, और सेवा काल में कोई राजनीति इस विषय को जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जगहों से विधायक जी एक पॉजिटिव खबर आ रही है कि कुछ लोग खासकर पेंटिंग प्रतियोगिता हो या बहुत सारे ऐसे जगहों पर देखा गया, जैसे राजस्थान से खबर आ रही थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो पूरे स्कूल को बदल कर रख दिए, तो ऐसे में आप जो समझाते दिखे क्या आपने बताया? हम उनको बताया कि आप जहाँ हैं अपना श्रम दान करके वहाँ कुछ ऐसा कर जाएंगे कि जाने के बाद लोग याद रखते, जैसे साफ सफाई की बात थी, हम कहते आप अपना कचरा गड्ढा करके गड्ढा में डाल दीजिए, हम कहते आप अपने जहाँ पढ़ें वहाँ बागवानी कर सकते हैं, उस जगह तो पेंटिंग करके एक नया इतिहास रच दिया कि कुछ आप लोग अपने अपने क्वारंटाइन स्थल पर कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग याद रखें, दुनिया देखे, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, ये आह्वान करके हमारा। एक अंतिम सवाल है विधायक जी कि अब जो है प्राइवेट जगहों पर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए जिलाधिकारी ने मतलब आदेश दे दिया है, तो क्या लग रहा है कि मतलब सरकार से ये चीज़ संभल पाएगी, कितने इतने लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं बिहार? निश्चित रूप से सरकार बहुत ज़्यादा जवाबदेही से ये काम को कर रही है और स्थानीय प्रशासन सरकारी अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं, शिक्षक पुलिसकर्मी सफाईकर्मी, अब देखे होंगे सारे लोग अपना डर छोड़कर सेवा भाव से क्वारंटाइन सेंटर पर आगंतुक हमारे जो निवासी लोग हैं
उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से बड़ा दुखता है, संभल जाएगा। 40 आदमी के बाहर, ठीक, धन्यवाद। वो बीमारी 40 लोगों में रख लिया, 41वां में नहीं करे छे कतौ जाए, नहीं जाए एकदम नहीं। ये बताओ 41-40 गो बाथरूम बना सके है? संभव नहीं छे, लेकिन कोई के 41 गो चापा कर सके है? साफ सफाई संभव छे? नहीं है, कहां के सुविधा दो ना, एक दूसरे से सहयोग लीजिए, बैठल बैठल लोग भी मदद करेंगे आपका। कोई काम है तो नहीं करेंगे, बात नहीं पूछे। अगर एक दूसरे को मदद करिएगा उसका लाभ होगा कि नहीं होगा? सब आदमी पॉजिटिव आदमी है, यही सब है, रजिस्टर है वहाँ सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अभिनव है जी। हाँ से बोलो तो हम यहाँ कई दिन से है? 12 तारीख 12 से है। कोई असुविधा नहीं ना है? यहाँ कहा रुके हुए तो मालूम है ना का है? क्वारंटाइन इसलिए किया गया है कि आप जहाँ से आए हैं ट्रेन बस में जैसे चढ़ गए कि बीमारी पटने वाला बीमारी, आप जिसके संपर्क में थे हो सकता है वो बीमार हो। क्या कि बीमारी का लक्षण जो है 14 दिन के बाद उठता है, बुखार लग गया, सांस लेने में तकलीफ है, सूखल खांसी हुआ, तो 14 दिन रोकने का मतलब है कि आप जो बिना क्वारंटाइन जाइएगा तो बाल बच्चा को पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? अगर होगा तो बाल बच्चा दूसरा के यहाँ जाएगा तो उसको भी पड़ जाएगा। समाज को परिवार को बचाने के लिए कहीं यहीं रह जाइए, निरोग होइएगा तो कुछ नहीं होता जाइएगा, निरोग है तब ना समझे, ठीक है? तो 14 दिन यहाँ रहना, घर जाइएगा 7 दिन, घर पर भी कहीं परहेज में रहिएगा, गाँव समाज को भी समझाइएगा कि भाई सब आदमी हट हट के रहिए, मास्क लगा के बतियाइए, मौली है जी। तो वहाँ से परमिशन को ऐसे चले आए? नहीं नहीं, परमिशन लेकर डायरेक्ट थाने पर आए, अपना परमिशन पूरा सब कुछ हो गया। तो वहाँ कहे कि नहीं रहेंगे आपको तो घरों में बोले मगर बोले घर पे भी मैं बोला बच्चे बच्चे रहते हैं इसलिए मैं साइड में आप अपना सेफ्टी के लिए आए ना, अपनी इच्छा से कोई असुविधा नहीं? नहीं कोई नहीं। वो तो हम भी तो ना कुछ सर क्या बच्चे लोग तो नहीं समझेगा ना? सही बात है, सही बात है। करके आ ही जाएगा और सब लोग इतना ज्यादा समझदारी का काम आप किए हैं, बहुत लोग को लगता है कि वहाँ क्वारंटाइन होगा, खुद अपनी इच्छा से खुशी से यहाँ क्वारंटाइन है, ये बात समाज में संदेश जाने की चीज है, लोग इसको अदरवाइज लेता है। तो गवर्नमेंट जो है सारी व्यवस्था समाज को बचाने के लिए किए है, और जब क्वारंटाइन कर दिया सारा सुख सुविधा, जब हम बारात जाते वहाँ तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, आज वहाँ से आए वहाँ बीमारी ज्यादा है, फिर भी काम आपके साथ कर रहा है। कुछ जगह से लोग को लगा था कि असुविधा, कोई समझाने आए थे भाई असुविधा, अब चावले खाए अरे भाई तो रोटी बेलेगा, बेलने वाला में संक्रमण होगा तो तुमको ज्यादा खतरा है, चावल तो गर्म बसाएगा, 10-12 दिन आदमी खाता नहीं है, तो नहीं हुआ गाँव में, क्या नाम हुआ? तो फिर बॉम्बे में आएंगे तो पहुँचानिएगा, कई बार गए तब जानकारी ले लेंगे गाँव से। आइए बॉम्बे में, कहाँ पर घर हुआ आपका? कन्हैया के घर के पास की शंभू के घर के पास? हाँ शंभू के घर, शंभू के घर, शंभू जाए ना कन्हैया भी उनके उनके दिया दे छे, दिया दे छे, हम तो आगे गांव जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं कर सकते जी, घर लेने का काम है नल अपना घर से देना जी। तो मास्क लगा करके बाहर सोशल डिस्टेंस के, हाँ कौन गाँव घर? कुशियाम, पूरा घर पर रह के भेजते रहता हमने, घर पर था कि बूढ़ बुजुर्ग के समझदारी से घर पर रह सके। यहाँ कई दिन से था? 3 दिन बाद। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत। खाना पीना सब कुछ सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, बिल्कुल एकदम सब कुछ सही है। मुखिया जी आये चले हमारे
तो फोनो करे छले हमरा फोन गेलो त लागि हां के फोन करे छले हां बाबा अब किट किट कर जे किट ऊपर से तब ले को देता है आ जा हम बताबे छु सब बात हां बड़ा पखा मुंबई दिल्ली ये बात मालूम है ना मुंबई दिल्ली में बीमारी ज्यादा फैलल है हां आप लोग यहां जो क्वारंटाइन है इसका मतलब समझ रहे हैं काहे हैं हियां रखल गेलो काहे रखल गेलो बुझलू नहीं बुझलू सेफ्टी के लिए तोहर सेफ्टी से ज्यादा समाज के सेफ्टी परिवार के सेफ्टी जहाँ से अला है वहाँ बीमारी फैलल है ये बीमारी छुआ छूत वाला है एक दूसरा के संपर्क में रहे से बीमारी फैले तो मान लो निरोग देखे में लगल आदमी और वो आदमी बीमार थे ओकर बीमारी 14 दिन के बाद पता चल फल 14 दिन के बाद 14 दिन के पहले तो पूरा गांव न पट जाता है अपना तो बिहार बदल चल अपन चल अब सब आदमी अलू है तो कोई आदमी चाहते कि हमारा चलते समाज फैल जाए बीमारी नहीं चाहते कई चलते हियाँ रखे हमारा फोन गया चलते रह नहीं मिल रहा है अब देखो कपड़ा के दुकान बंद है बर्तन के दुकान बंद छे आ सरकार घोषणा कर दिल्कि ये सब आदमी के थाली कटोरी गिलास साबुन मास्क गमछा लुंगी मच्छरदानी सब देना है लेकिन जाए से पहले सुनबो तो करबो ना जाए से पहले मार्केट खुल रही है धीरे धीरे बाहर से आ रही है सबके सब चीज भेज जाए के चाहिए एक बार चर्चा जरूर कर लिया अगर नहीं भेट तो 14 दिन पूर्त ना हो एक दिन पहले चर्चा कर लिया खबर कर लिया अभी शक्ति वह ना कह बाजार से व्यवस्था कर जा रही हर हाल में दे के चाहिए लेकिन नहीं भेल तैना नहीं देते आई हम अलिए आई उस अधिकारी के देवे ना डी एम साहब के देवे खबर सर ये सब पहुँचा दीजिए मास्क तो जरूरी है भोजन भात में कोई समस्या नहीं है एकदम सब आदमी इस लड़ाई को लड़िए मिलजुल के जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी परिवार छोड़ के आपके साथ है उनको भी डर लगता होगा कि देखिए बाहर से आए हैं वो धन्यवाद के पात्र है कि नहीं जो सेवा दे रहा है आप बताइए इतना जल्दी चापाकल पानी सब लग गया सुविधे के लिए लगा सरकार के व्यवस्था है पहुँचल काहे दिक्कत क्या असुविधा है आ गए घर में है आप सर घर में तो है ठीक है मेरे छोटे छोटे बच्चे है ये लड़का मेरे साथ में मेरा भांजा है इससे पूछो मेरे बच्चे इतने इतने छोटे फोन कितने कितने टाइम लगाते हैं ठीक है सर और मेरी रीजन मैंने गलत क्या कर दिया सर जी जो अगर मैं बॉडी यहाँ पे लिया है तो मैंने गलत इसमें क्या कर दिया अभी आपको कहा कुछ किया है जी बात समझ लो आप जो बॉडी लाया है हाँ जी बीमार का बॉडी लाया हाँ जी रास लाया हाँ जी हाँ जी जहाँ से लाया वहाँ बीमारी फैला हुआ है हाँ जी जिस गाड़ी पर लाया वहाँ भी संक्रमण हो सकता है हाँ जी आप लाया है तो आपके सुरक्षा के लिए आप 14 दिन यहाँ रखने का ये मतलब है कि आप स्वस्थ हैं उसका कागज बनेगा वो कागज लेकर जाइएगा तो वहाँ जहाँ जाइए वहाँ क्वारंटाइन नहीं करेगा फिर बाल बच्चा मिल जाइएगा बात मैंने आपकी मान ली ठीक है जैसे आपने बोल दिया 14 दिन रुकना तो अब इसका मतलब ये तो नहीं बनता है आज 2 दिन के बाद छोड़ देंगे ठीक है जैसे आपने बोल दिया कि 14 दिन रुकना है मैं संतुष्ट होकर 14 दिन मुझे रुकना है हाँ तुमने आज बोल ले कल परसों छोड़ देंगे कल बोल दिया कल ठीक है सर अभी मैंने फोन किया बोले आपको तो छोड़ दिया आप जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं आपकी गाड़ी बोलने के लिए हाँ जी ठीक है उसके बाद मैंने फोन किया मैं कहीं अपना स्कूल मास्टर से बात कर लो कि मैं जो अगर मेरी गाड़ी बोल कर तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से आप मास्टर यहाँ पे मुझे 6 दिन हो गए 8 दिन और बोलिए ठीक है हम उसे थाना प्रभारी साहब बात करते हैं सर वो बात सही है ठीक है 8 दिन की बजाय मैं 16 दिन रुकने के लिए तैयार हैं लेकिन बात करो एक
एक दो तो वही जो आपको रखा है वही ना जाने का जी। सर वो बात सही है, अब आप बोल रहे हो कि नहीं अब पूरे दिन होने दो, तो इसका मतलब क्या है सर? मेरा कुछ, मेरा तो 14 दिन का क्वारंटाइन का बात बोल रहा है, अगर रोका है तो रुकना चाहिए सीट का, नहीं तो आपको जाने देता। आप अपना प्रदेश में क्वारंटाइन होते, ये बात बोली आप अपना प्रदेश में क्वारंटाइन होते, उस दिन भी ये चीज बोली है कि आप जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। इनको कौन दिया है लाके? चंडीगढ़ से लाश लग गया। बात करके आपको खबर मिल जाए। हाँ, रो रहा है सर। ठीक ठीक चलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम भाई, प्रणाम सब जी। चलिए वही थोड़ा थाली को व्यवस्था कर दीजिएगा सर, एक से दो दिन में सारा सुविधा आपको मिल जाएगा। हम लोग सब शांत है सर। नहीं शांत नहीं रहेगा तो देख मिला के ना तो फ्री में हमको इतना भीड़ लगा के फायदा होते, एक वक्त बीमारी पड़ते तो गाँव के गाँव साफ हो जाता। कहीं बता आप लोग के लिए कुछ नहीं है? इन लोग के लिए, इन लोग के लिए कुछ आदमी को लुंगी उंगी मिला है, कटोरा वटोरा आधा आदमी बारह को बाकी है, बाजार से उपलब्ध नहीं है इसलिए लेट हो रहा है ना। हुआ दिक्कत है ना जी? खत्म हो जाएगा तो फिर मिलेगा, खत्म हो गया और क्या दिक्कत है तो बताओ। भोजन बढ़िया से मिला है ना? क्वारंटाइन हुए हो परिवार समाज को बचाने के लिए? बाहर गांव से आया हो? बीमारी है तो बुखार उठाया आ जाएगा, सूखा खांसी हो जाएगा, मालूम है ना? तो 14 दिन के पहले जिससे मिलिएगा उसको पकड़ सकता है। अगर आपके बीमार कोई है तो आप जो ट्रेन में आए हैं, जो चीज से आए हैं, हो सकता है कोई बीमार के संगत में पड़ गया। यहाँ जब रहिएगा 14 दिन और 7 दिन घर पर रहिएगा, क्वारंटाइन अलग रहिएगा, समाज से अगर बीमार है, समाज में सब मिलने जुलने लगा, समाज भी फंस गया। ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी का अभी तक दवा नहीं बना। और देखते होंगे बाहर गांव में जो बीमार है उसका अपना आदमी छोड़ दिया, उसका डेड बॉडी भी लाने नहीं जाता, अपना आदमी कोई बीमार है गाँव में नहीं घुसने देता है, तो बीमारी नहीं पटे। ये सब आदमी चाहते हैं कि नहीं चाहते? कहीं पर रहिएगा बाहर, थोड़ा बहुत असुविधा होगा काम बढ़ाना। चावल क्या पहुँच गया? चावल नहीं खाना चाहते हो? अरवा चावल खाने लायक है ही नहीं तो चावल अरवा तीन टुकड़ा करके चावल मतलब ठंडा चावल इनका कौन है? ठंडा चावल है, टूटा हुआ कोई ना टूटा हुआ है सर। दाल का क्वालिटी बिल्कुल पानी की तरह है सर। क्या है जो बना के देते हैं, कहाँ पानी का तरह रहेगा? मानवता का भी तो ख्याल कौन प्रभारी कहिएगा? जब भोजन बनता है तो दाल पानी कहाँ रहेगा? तो अनुचित है ना, तो अपना ही भाई बंधु है ना जी, बढ़िया खिलाओगे? अरे 6-7 आदमी, 6-7 जगह से ना है, सब आदमी भोजन से इतना खुश है, सब कहते खाना पीना बढ़िया है। दूसरा ही जान लीजिए, अभी जो व्यवस्था है बाजार बंद था सर, यहाँ 14 दिन है, 14 दिन 7 दिन घर में है, 7 दिन बोल रहा है। आप विचार समझ गए ना, अपने लिए सब आदमी यहाँ, अपना परिवार के लिए, समाज के लिए है, यही ना 14 दिन टेस्ट है जी। 14 दिन में बच गया तो ठीक है, जब बीमारी नहीं उखड़ा यही ना टेस्ट है। अब आप समझिए ना कि आपके देश का बीमारी तो नहीं है, विदेश से आया हम लोग रक्षा से, ज्यादा दूर का नहीं है कोई, आस पास के हैं, आस पास के हैं, समय बढ़िया से काटिए। हम लोग काटिए सुबह में जो है, जिनको जो है अपना अपना ईश्वर को प्रार्थना कीजिए कि बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। जी जी बिल्कुल सर। शाम में शारीरिक कीजिए कि स्वस्थ रहिएगा जी, और केवल व्यवस्था का नकारात्मक बात नहीं करना है, बीमारी से लड़ना है तो निरोग रहना मन से साबुन छोटा वाला है ना, सही है।
भोजन उधर सही से हो रहा है? सही है सब, सही है सर। कितना आदमी सब? 57 आदमी है सर। सौ को घुमाते हैं सर, कसरत वगैरह कराते हैं सर। कोई परेशानी नहीं है? सारी परेशानी है, गेट से बाहर बस निकल दीजिए घूमने के लिए। सुबह जेब में थोड़ी होगी, सुबह बाहर सुबह के देखते हैं, मुझे मॉर्निंग में खोले तो अच्छा लगता। तो शाम में हम घुमा देते हैं सबको, शाम में शाम में लेट बोलते हैं। खाना पीना नहीं दे रहा था, सेठ भी बोला कि जो नहीं देंगे आप, कहाँ से हम इतना दिन देंगे। अलग बात है, भागने का मन था इसलिए। काम धंधा बंद है, बंद है, कोई चारा नहीं है। भोजन का दिक्कत नहीं था सब? भोजन का भी दिक्कत था, शरीर में खिचड़ी देता था और बोलता था कि दो आदमी मिल के खाने का। रोज का रोज खिचड़ी, घर से पैसा मंगा मंगा के खा के थक गया तब भागा। सुरक्षा के लिए रखा गया, जहाँ बाहर में थे ना, बड़का बड़का शहर में बीमारी ज्यादा है, वहाँ पर जुड़ा है, किसी से बीमारी फट गई। ट्रेन में है तो ट्रेन में भी हो गया, इसलिए यहाँ रखा गया कि 14-15 दिन के बाद किसी को तकलीफ होगा तो उखरे उखरेगा, तो जितना को सटोगे या बात करोगे उसका खून पड़ेगा तो उसको हो जाएगा। यहाँ रहोगे तो घर का भी बच जाएगा, समाज का भी बच जाएगा, इसलिए यहाँ रहना। यहाँ से जब घर जाइएगा तो 7 दिन घर के बाल बच्चा और परिवार सबसे दूर, अलग बिछावा। बीमारी तो सबके लिए बच के रहना। हाँ सर, वह बुझे लिया कि सब गोटा एहन प्रलय में छी, वह सेफ्टी रहू, सुरक्षित रहू। चलते इनको सब गोटा बुद्धिजीवी छी, इहे समाज से छी, इतनाइए समझ, दिमाग लगाइए। एहन संकट आबि गेल तें ने सब गोटा घर छोड़ के अपना सब एतो छी। आ तनी मने 19-20 भी बर्दाश्त करे के, ज्यादा बतेला से कोई फायदा नहीं। देखियो ने सब गोटा के चेहरा सर, कते सुंदर लाग रहल छै, सुरक्षित छै सब गोटा। हमरा यह प्रश्न हल्ला जे एतो सब गोटा नीक छै, नीक छै का आदमी होगा खबर की होगा। जी जी, बनारस से आए वहां के जाने परेशानी नहीं था, उसको बदनाम करके क्या कीजिएगा? दिक्कत है, घर जाने का जल्दी था, तो व्यवस्था ना बना देता है, इसलिए सब आदमी एक दूसरा को सहयोग कीजिएगा, सब कुछ बढ़िया रहे। गार्जियन है, चलिए हम तो बोलबा ना, चैनल का नाम का कमता रखिए।